स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे गूगल इंडेक्सिंग API को अपने ब्लॉगर से कनेक्ट कर सकते हो। ये मेथड आप वर्डप्रेस से भी कर सकते हो, साथ में ब्लॉगर पे भी कर सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो पूरा ब्लॉगर के लिए है, क्योंकि ब्लॉगर पे कैसे गूगल इंडेक्सिंग API यूज़ करना है कहीं भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, और जल्दी आपको कहीं से मिलेगा नहीं। इसलिए ये वीडियो पूरा रिसर्च करने के बाद मैं लेके आया हूँ, और ये 100% वर्किंग है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और हर बार हम प्रूफ के साथ आते हैं वीडियो में, तो काम की चीज़ है। और गूगल इंडेक्सिंग API वर्डप्रेस में कैसे करना है, मैंने उसका वीडियो बनाया था, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेक कर सकते हो। तो वो वीडियो पब्लिश करने के बाद काफ़ी लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए थे, और ग्रुप में भी बातें हो रही थी टेलीग्राम ग्रुप में कि ब्लॉगर पे से कैसे करें। तो इसी का रिसर्च में लगे हुए थे हम, और हमें वो मेथड मिल गया है, तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, ये मैंने अभी नया ब्लॉग बनाया है marketingraptor.com, जो हमारा मार्केटिंग रैप्टर अप्रूवल सीरीज चल रहा है, सॉरी गूगल एडसेंस अप्रूवल सीरीज, उसी का ये है। और ये ब्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये पोस्ट यहाँ पर सब 29 को आप देख सकते हो, 29 डेट है, मतलब ये अभी एक घंटे पहले मैंने सारे ये पोस्ट इसमें डाले हैं, मतलब जो हमारा ट्रायल ब्लॉग है ब्लॉगस्पॉट वाला, जिसमें मैं सारे वीडियो बनाता हूँ ब्लॉगर के रिलेटेड। तो उसी का कुछ पोस्ट मैंने इसमें से दिखा दिया, पोस्ट कर दिया, ताकि आपको मैं इधर बता सकूँ सब कुछ। सो जैसा आप देख सकते हो, ये हमारा ब्लॉग कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा गूगल क्लाउड का अकाउंट बनाना है, हम जहाँ से हमारी इंडेक्सिंग API सब हमारा काम करेंगे। तो हम यहाँ सर्च करेंगे क्लाउड कंसोल, और सबसे पहले आपको लिंक मिला है cloud.google, इसमें हम जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, आपका जो जीमेल अकाउंट है, सर्च कंसोल अकाउंट है, जितने भी सब है सब सेम रखना, ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो ये हमने जो गूगल का जो, तो पहले जो मैंने इंडेक्सिंग का वीडियो बनाया था API का, उसमें यही अकाउंट यूज़ किया था, तो इसमें मैं दूसरा अकाउंट बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, आपको पूरा स्टार्टिंग से बताना है इसीलिए। सो यहाँ पे मैं इसका नाम लेता हूँ ब्लॉगर API, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट। सो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और मैं यहाँ से नेविगेशन मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ से हम जाएंगे IAM एंड एडमिन में, यहाँ पे हमें एक सर्विस अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर नीचे जाएंगे सर्विस अकाउंट्स में, तो यहाँ पे एक न्यू सर्विस अकाउंट हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक सर्विस अकाउंट, अकाउंट नेम मैं वापस से डाल लेता हूँ ब्लॉगर API, स्पेलिंग की दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। और ये हमारा ईमेल हो जाएगा, उसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएट कंटिन्यू करेंगे, सिलेक्ट रोल पे आ रहा है, तो हम यहाँ से ओनर सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना ओनर रखना है आपको, और यहाँ से हम इसे कर दे रहे हैं कंटिन्यू। किसी दूसरे को अगर आपको एक्सेस देना तो दे सकते हो, बाकी मुझे किसी को नहीं देना, तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ डन। हमारा ये कंसोल अकाउंट, मतलब जो सर्वर का अकाउंट है, सॉरी सर्विस अकाउंट है हमारा, वो बन चुका है। सो यहाँ से अब मैं ओपन करूँगा हमारा सर्च कंसोल, ये रहा, और यहाँ पे हमारे, यहाँ पे मेरा मार्केटिंग रैप्टर जो ब्लॉगस्पॉट ये वाला है, इसको मैंने ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से आपको जाना है यूज़र एंड परमिशंस में। यहाँ से हमें एक न्यू ऐड, और यहाँ से हमें एक नया यूज़र ऐड करना है, तो ऐड पर क्लिक करोगे, और जो आपको ये ईमेल मिल रहा है इसको हमें कॉपी करना है। यहाँ से इसको मैं क्लिक करूँगा, और इसमें से कॉपी करके यहाँ पेस्ट, और फूल की जगह इसको हमें कर देना है ओनर, और यहाँ से हम करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यूज़र ऐड हो चुका है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, यूज़र ऐड हो गया है हमारा, यहाँ पे कंसोल का जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कट। अब मुझे यहाँ से एक API की निकालनी है, तो उसके लिए यहीं पर वापस से बैक करके आ जाऊँगा हमारे सर्विस अकाउंट में, एक्शंस में हम जाएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे मैनेज कीज़ में। मैनेज कीज़ माने के बाद यहाँ पे हम नया की बनाएंगे, तो ऐड की पे क्लिक करूँगा, और क्रिएट न्यू की, जेसन रिकमेंडेड है और जेसन ही हमें बनाना है, सो यहाँ पे जेसन पे सिलेक्टेड रहेगा, और यहाँ से हम कर लेंगे इसे क्रिएट। क्रिएट करते ही हमारा ये ब्लॉगर API करके डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज। बनने के बाद फिर से हमें सीधा होम पे आ जाना है हमारे, और यहाँ से आपको जाना है यहाँ पे API एंड सर्विसेज में। API सर्विसेज में आने के बाद आपको यहाँ से अनेबल API एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है क्लिक, और आप इस वाले डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडेक्सिंग API, और ये गूगल वाला आपको दिख रहा है इंडेक्सिंग API, इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ से इसे कर देना है क्लिक करके इनेबल। ये कुछ सेकंड्स लेता है, और अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली होम पेज वापस से रिडायरेक्ट हो जाता है कुछ इस तरह से।
ओके यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा ये इंडेक्सिंग एपीआई बन चुका है। अब जो मेन है हमारा ब्लॉगर के लिए कैसे कनेक्ट करना, तो ये सब आपको पूरा मालूम है, सिंपल सा सब जगह यही स्टेप है वर्डप्रेस के लिए। लेकिन ब्लॉगर में भी हमें पहले अपना एपीआई पूरा बनाना है। अब तो गूगल का जो कोलैब है, कोलैब कंसोल, उसमें हमें ये सब करना है। तो उसमें आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक कंसोल बना के रखा हुआ है, उसका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसे करता हूँ सीधा पेस्ट। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सीधा आपका ये फाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये कंसोल वाला फाइल ओपन हो जाएगा। ये इसलिए मैंने कहा था, और आपका जो ये और आपका जो ये जीमेल है सेम होना चाहिए, इसका क्लाउड का और सर्च कंसोल का, तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कोलैब में आ चुके हैं और आपको ये दिख जाएगा कि श्रेय कजारिया ऐसे ऐसे ये लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे हमारा जो वीडियो अभी आप देख रहे हो उसका लिंक इसमें मैं ऐड कर दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट करना है। इसमें गूगल ड्राइव इसे कनेक्ट करना है क्योंकि हम बाय चांस वापस से अगर आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, और ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, हर बार आके जब भी आप नया पोस्ट लिखते हो आपको आके यहाँ से इसको करना पड़ेगा। आप एक बार आओगे, ये लिंक आप कहीं पर सेव कर लेना या फिर इसको बुकमार्क करके अपने ब्राउज़र में सेव करके रख लेना, ठीक है। नहीं तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आकर ले सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये जो प्ले का बटन दिख रहा होगा उसको आपको करना है क्लिक। तो आपको ये वार्निंग दिख रही है, इसको आपको इग्नोर करना है, कोई डेटा मेरे पास नहीं आने वाला, मैंने कुछ नहीं किया है इसके अंदर, दिक्कत की बात नहीं है, सीधा आप इसको कर देना रन अवे, सॉरी रन अवे नहीं, रन एनी वे, और ये यहाँ पर रन हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपको पूछेगा गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए, जो आपका गूगल ड्राइव है सेम, चारों के जीमेल आप सेम रखना अच्छा रहेगा। तो यहाँ से मैं से करता हूँ कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, और आपका जो ईमेल एड्रेस है, मतलब जो भी आपने इसमें लॉगिन किया है सेम वही आप सिलेक्ट कर लोगे, ये आपका गूगल ड्राइव, और यहाँ से नीचे, और उसके बाद यहाँ से नीचे आके इसे कर देना आप अलाउ। तो ये यहाँ से राउंड राउंड घूम रहा है और ये भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा इसमें। ओके आपको लिखा जाएगा माउंटेड और आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड दिखा जाएगा, यहाँ पे 40 सेकंड्स दिखा रहा है, ठीक है। स्टेप वन हमारा हो चुका है, इसको आप कर दो क्लोज। और हाँ, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप मोबाइल में सब कुछ कर सकते हो। स्टेप टू है हमारा, यहाँ पे हमारा जो गूगल ड्राइव का पाथ है हमें वो यहाँ पे चेंज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो हमारा जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया है उसको हमें इसमें ऐड करना होगा। तो आपको साइड में ये फोल्डर जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे कुछ सेकंड लोड होने के बाद आपका ये ड्राइव कनेक्ट हो चुका है। आपको इस ड्राइव के बटन पे ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो माय ड्राइव पे क्लिक करोगे तो माय ड्राइव का ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है, और जस्ट बाजू में यहाँ पे आपको थ्री मेनू डॉट्स मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको करना है अपलोड, और जो हमारा ये फाइल है जो ब्लॉगर API हमने डाउनलोड किया था क्लाउड में उसको सिलेक्ट करके आपको कर देना है ओपन। सो ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है, और ये अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे पाथ चेंज करना है। तो ये यहाँ पे हमारा फाइल ऐड हो ही चुका है, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा फिर से थ्री डॉट का, इस पर क्लिक करना है और कॉपी पाथ करना है, क्योंकि हमें इस फाइल को अपलोड करना है इसमें और बार बार ना करना पड़े, इसलिए हम एक बार ये करेंगे। तो इसको हम करेंगे कॉपी पाथ, और यहाँ पे आने के बाद आप एक बार इसको ओपन करोगे बीच में क्लिक करके। अब ध्यान रखना, इसको आपको यहाँ पे रन पे अभी क्लिक नहीं करना है, आपको ये हिडन सेल है, यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको पाथ ऐड करना है। तो आप या तो यहाँ से ऐड योर पाथ जो लिखा हुआ है इसमें चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली, मैंने कॉलम बनाया हुआ है, आप यहाँ पे अपना पाथ ऐड करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कोई कोडिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा काम है, ठीक है। ये पाथ ऐड करने के बाद एक चेकआउट कर लेना, कंटेंट ड्राइव, माय ड्राइव, और हमारा आपका जो जेसन फाइल है, जैसे ड्राइव, माय ड्राइव, और ये फाइल हो गया। अब इसको आपको यहाँ से कर देना रन। सो ये रन हो गया है और ये कनेक्ट भी हो गया, जैसे आप देख सकते हो 0 सेकंड्स, और यहाँ पे चेक मार्क आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर ये स्टेप भी हो गया हमारा सेकंड, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, और इसको भी यहाँ से मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अब थर्ड स्टेप जो हमारा है, यहाँ पे हमारा जो भी आप नया पोस्ट डालोगे उसका URL डालना। मान लो हमारा ये पोस्ट है यहाँ पर, जैसे ये मैंने अभी नया ब्लॉग बनाया, अब ये मैंने पोस्ट डाला हुआ है यहाँ पर, चलो लो ये वाला पोस्ट है, इसका मैं यहाँ से कर लूँगा लिंक कॉपी, और ये आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा ब्लॉगर का है, और इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारा ऑटो सारा फैच कर लेगा। मैंने कहा था कि इसको बुकमार्क कर लेना, जब भी आप न्यू पोस्ट लिखो या पेज लिखो आना यहाँ पे सीधा, या तो आप यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है रिप्लेस योर URL, यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो वही कॉलम यहाँ पे कंसोल पूरा बनाया हुआ है, सिंपली इसको सिलेक्ट कर करके डिलीट कर देना, और आपने जो लिंक कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करना है। ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से कर देना है रन, ये रन होगा, और यहाँ पे देखो ग्रीन चेक भी आ चुका है, और आपको यहाँ से नीचे देख लेना रिजल्ट URL पेस्टेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली डन।
आपका काम हो चुका है, हमने ब्लॉगर पे गूगल इंडेक्सिंग API इंटीग्रेट कर दिया है, इस बात पे लाइक तो जरूर बनता है। ये हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है करीब 6:16 पर। अब जैसे मैंने ये ब्लॉग अभी करीब 1 घंटे पहले ही बनाया है, तो हो सकता है इसमें आधा या 1 घंटा लग जाए, क्योंकि नया नया ब्लॉग है, गूगल के क्रॉलर्स इस पाएंगे, टाइम भले लग सकता है, लेकिन हमने इसे इंडेक्सिंग API ला ली है तो उससे ज़रूर हमारे कुछ फ़ायदा होगा क्रॉलिंग पे। तो अभी मुझे एक फ़ोन आ गया था जिसके कारण वीडियो पॉज करना पड़ा, तो ये करीब हमारा कंप्लीटेड हो चुका था 6:16 पे PM पे हमारा ये क्रॉल हो चुका, सॉरी हमने रिक्वेस्ट कर ली थी। अब मैं यहाँ पे सर्च कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा पेज क्रॉल हुआ है या नहीं। तो 4 मिनट तो हो चुके क्योंकि अभी 6:20 हो गए हैं। सो यहाँ से मैं मार्केटिंग रैप्टर की जगह मार्केटिंग रैप्टर हमारा जो ब्लॉगस्पॉट वाला है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिंक पेस्ट करके सर्च करता हूँ, देखते हैं हमारा क्रॉल हुआ या नहीं। सो अभी ये इंडेक्स नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे नीचे देख सकते हो करीब 38 और ये हमने किया था कब 6:16 पे किया था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6:16 पे हमारा ये क्रॉल हो चुका है, मतलब बॉट तुरंत आ चुका है, इंडेक्स नहीं हुआ है। जब ये इंडेक्स होगा इसको मैं हमारे इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो ज़रूर एडिट करूंगा, तो बीच में वापस से मैं इसका चेक करता रहूँगा कि ये इंडेक्स हुआ या नहीं। क्रॉल हो गया है, मतलब क्रॉलर इस पे आ चुका है, और क्रॉलर आया तो मतलब इंडेक्सिंग के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी 1 घंटे पहले ये मैंने ब्लॉग बनाया है, तो हो सकता है उस कारण से इंडेक्स नहीं हुआ होगा, लेकिन ये करीबन आधे घंटे में, मतलब मैं 7 बजे करीब, 7 बजे तो नहीं, अभी 10-15 मिनट बाद वापस से इसको चेक करूँगा, अगर वो इंडेक्स हो चुका होगा तो उसका मैं रिकॉर्ड करके इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो खुशखबरी है, आप देख सकते हो करीब 7:06 अभी वीडियो एडिट कर ही रहा था मैं, और थोड़ा नाश्ता पानी भी साथ में कर रहा था, तो ऐसे मेरे मन में आया चलो चेक करते हैं इंडेक्स हुआ या नहीं। हो सकता है पहले भी इंडेक्स हो चुका हो, पर मुझे आइडिया नहीं है कब हुआ ये, लेकिन अभी मैंने चेक किया 7:07 पे, आप देख सकते हो डेट और सॉरी टाइम, और इंडेक्स है, तो उसको मैं वापस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मतलब वापस से रिट्राइव करता हूँ डेटा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये रियल है, कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है। ओके, तो वही हमारा जो पोस्ट है ये इंडेक्स हो चुका है। कवरेज इसका देखें हम, तो हमारा ये वही टाइम है जब इसका पहला बॉट आया था इस पे, और यार आधा घंटा लग गया है, फिर भी आधा घंटा तो नहीं, मतलब करीब 45 मिनट से ज़्यादा पौन घंटा से ज़्यादा लग गया है, लेकिन फिर भी इंडेक्स हो गया हमारा ब्रांड न्यू ब्लॉग, जो अभी करीब 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ही बना था, मतलब करीब 5 बजे मैंने इसे बनाया था, जैसे मैंने कहा था वीडियो में स्टार्टिंग में कि 1 घंटे पहले ब्लॉग बनाया है। तो आप सोच सकते हो कि इतना पावर है इस गूगल API इंडेक्सिंग का, तो गाइस पूरा प्रूफ के साथ आपके सामने लाया है, तो काफ़ी मेहनत लगी है, आप देख सकते हो आज का डेट भी यही है, और पूरा सुबह मतलब 5 बजे से लगा हुआ हूँ, तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसके लिए लाइक भी बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर बनता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको सब प्रूफ के साथ मैंने बताया कि कैसे आप ब्लॉगर पे कर सकते हो, और इसके रिलेटेड कोई वीडियो भी नहीं है, इस पे लाइक तो ज़रूर बनता है, और अपने ब्लॉगर पे वर्क करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना था, और वो भी इस मेथड को यूज़ करके अपने ब्लॉग को जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए, और क्या फिर मिलता है अगले वीडियो में।